और हमारे भाई लोग एयरपोर्ट माना एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। सब के सब इतिहास रचने वाले हैं 2024 में। और ये माना के एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का पार्किंग का नज़ारा है। इतनी भीड़ है गाड़ियों की। और ये देशमुख है कुमली वाले, ये भी जा रहे हैं आज। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट रायपुर। यहाँ पे सभी भाई आ चुके हैं, ये देखिए पैदल जा रहे हैं। जस्ट सामने एयरपोर्ट है और ये डामन है, राकेश है और तीन साथी वहाँ आगे बढ़ चुके हैं। साथ में आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे गार्डन पीछे बना हुआ था, जहाँ से निकल के हम आगे। यहाँ पार्किंग है, पार्किंग में देखो कार बहुत सारे खड़े हुए हैं, साथ में आते रहते हैं यहाँ पे। और सामने जस्ट आपको यहाँ पे एयरपोर्ट का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आगे यहाँ पे एयरपोर्ट है, आगे हम यहाँ पे ले जाएंगे एयरपोर्ट का नज़ारा। आज पहली बार हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट में जाने हैं, वहाँ से हम लोग फ्लाइट में चढ़ेंगे। पहली बार फर्स्ट टाइम हमारा जो है जर्नी है, ठीक है। अभी सभी का फर्स्ट टाइम जर्नी है और यहाँ पे एरोप्लेन का जो है नज़ारा लेंगे, वहाँ का लुत्फ़ लेंगे, मज़ा लेंगे हवाई जहाज़ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सभी साथियों के साथ। सभी साथी भाई आप लोग इस एयरपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अनुभव अगर आपका? बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है, गार्डन टाइप का ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट नहीं गार्डन आया। गार्डन हो गया है, एयरपोर्ट है माना कैंप में। बहुत मस्त लगा, दिल खुश हुआ, बाग बाग बोलते ना। आप कुछ कहना चाहते हैं साहब प्रबंधक जी मोहरा वाले? इधर 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 झूलना और लगा दिया जाए। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं सीधा नजारा, इधर से रोटेट करके हवाई अड्डा माना रायपुर, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। आगे चल के देख सकते हैं जहाँ तक का वीडियो मिलेगा आपको दिखाने के प्रयास करेंगे। तो गाइस पूरा देखो एरिया कैप्चर कर दो भाई कैमरामैन। अब एक अंदर ना हम बोला ना टिकट देख लाबो तभी यानी कि हम बोला जाल दी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे नज़दीक पे आ चुके हैं, ये है हवाई अड्डा का जो है मेन ऑफिस जो है, यहाँ से अंदर जाएंगे और इधर का जो एरिया है ना वहाँ पे अपना हवाई जहाज जो लैंड करता है उसे लैंड करता है। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इधर के रास्ता। यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी गार्ड पूरा सब लगे हुए हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ना गजब के है, हर चीज पूरा एकदम विदेश टाइप के लगत, एकदम गौ गजब के। सही तो है ना, हर चीज एकदम मस्त, गार्डन भी जबरदस्त। क्या जबरदस्त गार्डन है देखिए, एक नंबर के, एक नंबर के गार्डन है मस्त, एक नंबर के। क्या गजब के देख ऐसा नज़ारा, देख विदेशी धरती में आ गया ऐसा लग रहा है। छत्तीसगढ़ का धरती है रायपुर, माना एयरपोर्ट का, एयरलाइंस का है ये। इतना ज़बरदस्त एरिया है कि पूछो मत। और निषाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, पहली बार आ रहे हो क्या? ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वर्ग में आ गए। एक बार आइए, पहले ही आप
प्लेन में ना बैठे लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आकर देखो कितना भव्य नजारा है, जबरदस्त है। ऐसा बना है माना एयरपोर्ट रायपुर का, इतना जबरदस्त बना है कि पूछो मत। ये है माना एयरपोर्ट का दृश्य, एक छोटा सा कचड़ा भी नहीं है और इतना जबरदस्त साफ सफाई के बारे में क्या बताएं। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या कहीं दूसरे सिटी, मतलब दूसरे देशी राज्य में आ गए हम लोग। गजब का नजारा है यार, वाकई में गजब का नजारा है, गजब का नजारे है। दो घोड़े बने हैं, लोहे के घोड़े हैं, ये रात में दौड़ते हैं ऐसा बोलते हैं सबके सब। दूसरा बन मतलब खंसी है और ये पूरा एयरपोर्ट का बाहर का क्षेत्र है और ये सब सहकारिता विभाग के सब अधिकारी लोग आए हैं। ये देशमुख सर है, और वो डामल सर बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मेरा भी लो ऐसे करके, उसका भी लेंगे। हेलो गजब का आदमी, थोड़ा भी चलो कैसा लग रहा है कि एयरपोर्ट नहीं, गार्डन आए। गार्डन, गार्डन हो गया है। तो हे गाइस, यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए यहाँ का व्यू किस प्रकार से है, हवाई अड्डा यहाँ से पीछे जो है आगमन के लिए उधर से जाना पड़ेगा ऐसा बोल रहे थे। और धनतेरस के रखना जाना चाहिए हवाई अड्डा का, रखना कहाँ है चौंक से आगे खड़े बढ़ा था गोल बजाय और धनतेरी बस स्टैंड बहुत सुंदर व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अंदर लोग सकते बाहर नहीं निकल सकते, अंदर खाए पिए कोई ना कैंटीन है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सुंदर से बनाए हुए हैं घोड़ा, वो कह रहे एयरपोर्ट में हल्का सा रही चार्जर पड़नी घूम के आता हूँ, व्यवस्था अब सगा बन गया, जल्दी आ गए। हाँ
हंसमुख भी खड़े हैं, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। एसी लगा हुआ है और ये एयरपोर्ट का ऊपर का फ्लोर है और उधर लग्जरी आइटम लगा हुआ है और इधर हेलो इधर और बहुत से चीज़ें हैं। और ये देशमुख है और ये भारी खुश है, बहुत खुश है भाई, है ना। देखो एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है वहाँ पर, खड़ा है ना, गजब करने जा रहा है भाई जी। शूटिंग कर रहे हैं और जाके सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं मस्त चाव से, शेड्यूल देख रहे हैं। यहाँ पे शेड्यूल लगा हुआ है, कितना टाइम जाएंगे इसका शेड्यूल, सभी चीज़ लगा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ से हम गोवा का देख सकते हैं, ये गोवा 18:45 का आप समय देख सकते हैं। और इधर सब कैफे वगैरह लगा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्त राकेश केदार भैया और निषाद भैया और ये सर बैठे हुए हैं और डामन देखो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इधर से टाइम का वेटिंग कर रहे हैं, समय होगा फिर हम लोग एयर यहाँ से एयरपोर्ट से सीधा प्लेन में बैठ के गोवा चलेंगे, आप सब देख सकते हैं। गजब का नज़ारा यार, इतना गजब का नज़ारा। इवन हाँ सुनो, इवन इवन कैमरा पलटे नहीं ना, पलटे नहीं कैमरा तोर में उम्र में थोड़े थे। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट के अंदर से बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे सभी लोग यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हैं, देख सकते हैं क्या जबरदस्त नेचर है यहाँ पे, पानी वगैरह सभी चीज। ये देखो क्या अंदर का जो एयरपोर्ट का सीन, यहाँ पे अंदर से क्या व्यू दिखता है ये सब देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। देखना कौन सा वाला यार, और कहाँ पीछे, अरे देखना मैं दूसरा देखता।
पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है गोवा का एयरपोर्ट। इधर ट्राली बैग वगैरह जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये गोवा का एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बकायदा देखो SBI का ATM लगा हुआ है। इधर बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड। और आगे चल के देख सकते हैं इधर सभी चीज़ एग्जिट करने का यहाँ से रास्ता अलग से दिया गया है। आगे चल कर दिखाएंगे आपको जितने भी व्यूज आपको गोवा के देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार से। तो दोस्तों ये है एयरपोर्ट के बाहर की नज़ारा, तो देख सकते हैं नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। ये बंदे लोग इधर चल रहे हैं, यहाँ पूरा टैक्सी का लाइन लगा हुआ है, हाँ देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड टैक्सी का लाइन लगा हुआ है, पीछे देखें आगे देखें पूरा टैक्सी खड़ा हुआ है। ये जो है यार एयरपोर्ट का, यह है मैजेस्टिक प्राइड कैशिनो आप देख सकते हैं। और इधर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आगे चल के देखते हैं क्या दिखाई देता है और किस में जाना है, थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ जाना है। यह है गोवा का रोड, चल भाई अपन साइड पे गलत कर रहा हूँ। अभी फिलहाल कहाँ जा रहे हैं देखो, अभी घर मसाला खोजो भैया है ना। वैसे सर आज धूप खड़े हो गए हैं, बस हवाई जहाज रोड दूर हुई थी, ये है दूर हुई तो क्या चीजें बाजते थे यार बिकट लगे है भाई। तो
मानगौर हिल नजदीक। ये देखो, ये है गोवा का जगह।